ये बड़ी चुनौती है, खास तौर पर तब जब पहली डोज ले चुके लोगों की दूसरी डोज की तारीख आने वाली है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। अगले हफ्ते देश को करीब 1 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ने वाली है, जब मई में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली डोज लगा चुके लोगों की दूसरी डोज ड्यू होने वाली है। ये अब तक का दूसरी डोज का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसकी जरूरत अगले 1 हफ्ते में पड़ने वाली है। 1 करोड़ वैक्सीन की ये डिमांड तब सामने आ रही है जब केंद्र और राज्य वैक्सीन की कमी को लेकर जुबानी जंग में छिड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने 66 करोड़ डोजेज कोविशील्ड कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है और इसी प्रकार इन्हीं की प्रोडक्शन के 22 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो एक विजिबिलिटी अगस्त और दिसंबर के बीच में 88 करोड़ तो ये दो प्रोडक्ट की है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि प्री ऑर्डर बायोई का हुआ है, तो उसको ऐड करिए तो 118 करोड़। तो ये तैयारी सरकार की, आप जो सवाल कर रहे हैं, पूरी चली हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय 39 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, 31 करोड़ से ज्यादा पहली डोज और करीब 8 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। यानी देश में करीब 25% आबादी को अब तक वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है, जबकि दोनों डोज लगने वालों की संख्या करीब 8.4% है। दुनिया के जो मुल्क वैक्सीनेशन में आगे हैं, आधी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं, वहां भी लोगों की लापरवाही कोरोना के संक्रमण को नई रफ्तार दे चुकी है। भारत को ऐसा करने से बचना है तो जनता और सरकार को मिलकर काम करना होगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।